जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गरग जैन, कड़वे सवालों वाला। इस समय मौजूद हूं बुद्ध विहार के फेस वन में। और अक्सर दर्शकों आपने देखा होगा कि पत्रकार या तो बड़े नेताजी लोगों के पास जाएंगे, बड़े बिजनेसमैन के पास जाएंगे, या वहां जाएंगे जहां पर उनको पर्सनली लाभ होता होगा। और जमीनी स्तर पर उतर करके सही मायने में हम उस जमीनी व्यक्ति से बात करने की प्रयास नहीं करते कि सही मायने में आज वो क्या चाहता है। हम लोग सरकार क्या नियम निकालती है, सरकार क्या आदेश करती है, वो जनता तक पहुंचा देते हैं। लेकिन कई मायने में हम लोगों का काम बनता है, पत्रकार का काम बनता है, चौथे स्तंभ का काम बनता है कि वो जमीन पर जमीनी आदमी सरकार से क्या चाहता है वो भी थोड़ा दिखाए। अगर मेरे साथ में देखेंगे एक भाई हैं और सबको हंसाने का ये प्रयास करते हैं और खुद जोकर बनते हैं, खुद सबको हंसाने का प्रयास करते हैं। सही मायने में क्या वाकई आज खुद कितने परेशान हैं और वाकई खुद कितने खुश हैं वो भी हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे सीसीएन न्यूज 24 चैनल में। ओके सर, क्या नाम है आपका? शुभ नाम सतपाल राणा। सतपाल जी, कहाँ रहते हो आप? रघुवीर नगर सर। रघुवीर नगर रहते हो, काम क्या करते हो इसके अलावा? यही काम करते हैं सर। यही काम कर? हाँ जी सर। सबको हंसाने का काम करते? हाँ जी सर। खुद के जीवन में कितने दुख हैं? दुख तो बहुत है मगर बताए नहीं जा सकते सर। दुख बहुत हैं बताए नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि सही मायने में ये ड्रेस डाल के ये दुनिया को हंसाने का काम तो करते हैं लेकिन खुद के कितने दुख हैं वो महसूस हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम पत्रकार लोग सिर्फ बाहरी आकर्षण को देखना पसंद करते हैं। और सिर्फ मैं नहीं, सब के सब आज दुनिया ऐसी हो गई सिर्फ बाहर के आकर्षण को देखना पसंद करती है। आदमी खुद के अंदर कितने दुख लिए बैठा है उसको कोई जानना नहीं चाहता। सरकार आपको जो सुविधाएं, जो सरकार बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम बिजली पानी फ्री दे रहे हैं या अन्य सुविधाएं दे रहे हैं, हम लोग क्या बोलते हैं साफ पानी दे रहे हैं या अन्य तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, मुफ्त राशन दे रहे हैं, क्या आप लोगों तक मिल पाता है वो? नहीं, हमारे तक तो अभी नहीं मिला सर। क्या चीज़ नहीं मिल पा रही है? राशन नहीं मिला, राशन और मुफ्त कुछ भी नहीं मिला सर। लॉकडाउन में क्या जब मैं अपार घोर आपदा पड़ गई थी, पूरा विश्व परेशान था लॉकडाउन में कोरोना के समय में, घर कैसे चलाया था उस टाइम? घर चलाया था परेशानी होके, उधार लेके पैसे चलाया था सर। उधार लेके चलाया था, किसी ने मदद नहीं करा? नहीं सर, थोड़ा बहुत मदद करा था, उससे थोड़ी ना पूरी पड़ती है सर। अच्छा, घर में बच्चे हैं? हाँ जी बच्चे, छह बच्चे हैं सर। छह बच्चे हैं? पूरी फौज तैयार करके रख रखी है। पूरा नाम क्या बताया था? सतपाल राणा। और सतपाल राणा हो, हिंदू हो? हाँ जी। और फिर भी छह बच्चे? हाँ जी। ऐसा क्यों? बस सर ऐसे लड़की के चक्कर में सर। बताओ, ये भी एक विडंबना है वाकई कि लड़कियां हैं तो लगातार बच्चे होते चले जाते, सिर्फ लड़के के चक्कर में? नहीं, लड़की के चक्कर में, लड़के चार थे पहले, लड़के चार हैं? हाँ जी सर। ये देखो वाकई मेरे को पहला और बिल्कुल अच्छा लग रहा है ये सुनकर कि इनके पास पहले लड़के चार हैं, इन्होंने लड़की की अभिलाषा में लगातार बच्चे होते चले। हाँ जी सर। और सबके सब खुश हैं, एक साथ रहते हैं? हाँ जी सर। कितने साल के हो गए बच्चे? बड़े हैं बच्चे, एक तो 15-16 साल का है, एक 12-13 साल का है, और उससे लगा लो 3-4 साल। अच्छा, पूछना नहीं चाहिए फिर भी पूछ रहा हूँ, कोई एक विशेष ऐसी बात बताओ जिसको लेके आपको लगता है कि वाकई आज आप सरकारों से परेशान हो? सरकारों से क्या परेशान, सरकार अपना भरती है, गरीबों का थोड़ी ना भरती है सर। हम सरकार से क्यों परेशान हो, क्यों सरकार हमारे से परेशान हो, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है सरकार से। सरकार अपना घर भरती है और गरीब को गरीब करती है? नहीं नहीं, गरीब को भी देती है थोड़ा बहुत सरकार, ऐसी बात नहीं है नहीं देती गरीब को भी, जो उनके जो होते हैं आजकल सरकार के पास बच्चा ही क्या है सर मदद करने के लिए। गुटखा क्यों खाते हो? गुटखा नहीं खाते सर। क्या खाते हो? पान क्यों खाते हो? वो कभी कभार खा लेते हैं सर। गलत है ना, दांत खराब होते हैं जी, फिर भी खाते हैं जी। अच्छा, इससे कितने पैसे कमा लेते हो? इससे 500-700 रुपए कमाई लेते हैं। देखो, ये ईमानदारी पूर्वक मेहनत कर रहे हैं और दुनिया को हंसा रहे हैं तब जाकर के 500-700 रुपए कमा रहे हैं, और भ्रष्ट नेता हम जनता का पैसा खाते हैं, जनता के टैक्स का मिसयूज करते हैं, तब अपना घर भरते हैं और गरीब होता चला जाता है और अमीर और गरीब होता चला जाता है। सही मायने में हमें इन जैसे भाइयों का भी एक बार बात करनी चाहिए और इन जैसे भाइयों का भी दुख जानना चाहिए। बाकी सरकारें इन लोगों के लिए क्या कर रही हैं, हम लोग मंत्री के पास पहुंच जाएंगे, हम लोग संतरी के पास पहुंच जाएंगे, हम लोग नेताजी के पास पहुंच जाएंगे, आम आदमी से हम लोग प्रयास नहीं कर पाते, जो कि प्रयास करना बहुत जरूरी है ताकि जनता क्या चाहती है, जनता तक वो सुविधाएँ पहुँच रही हैं या नहीं पहुँच रही हैं। हालाँकि ये दिखने में जिस हिसाब से लग रहे हैं कि ये दूसरों को खुश करते हैं लेकिन अंदर बहुत सारे दुखों को लेकर के बैठे हैं, लेकिन कहें तो कहें किससे, सीधी सीधी बात बता रहे हैं कि कहें तो कहें किससे।
सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही है सर। बाकी आप लोगों को हमारा ये प्रयास कैसा लगा उसको लेकर के कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। जय हिंद, जय भारत।